आखिर क्यों अभिनव अरोड़ा को इतना ट्रोल किया जा रहा है मीडिया के अंदर? क्या मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर है? लेकिन जो अभिनव अरोड़ा को स्वामी रामभद्राचार्य के द्वारा जो फटकार सुनने को मिली और उसके बाद अभिनव अरोड़ा ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी वो कहीं ना कहीं देखने लायक थी कि इस प्रकार से रामभद्राचार्य की ऐसी वाणी में भी मिठास झलकता नजर आता है, इस प्रकार का बोला गया अभिनव अरोड़ा ने। इसके पिता का ऐसा बिजनेस मॉडल था जो कि स्कूल भेजने के बजाय और मंदिर में या फिर मंदिर का प्रचार या फिर कृष्ण और राधा की भक्ति में उसको लगा दिया और दिखावे के लिए। क्या ये दिखावा इसको ट्रोलिंग में ले गया और इसका जीवन बर्बाद करने का काम कर दिया? लेकिन इतना तक तो ठीक था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम अभिनव अरोड़ा से जोड़ा जा रहा है, यानी जिस प्रकार से उसकी माँ का बयान आया है और एक वीडियो में आप लोग देख सकते हैं उसकी माँ बोलती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा उसको मारने की धमकी दी गई है। आखिर क्या है, कितनी है सच्चाई इसमें? क्या अभिनव अरोड़ा को और ज्यादा पब्लिसिटी के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा गया है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन तो हैं? तो चलिए बात करेंगे आज के इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स पर। एंड अब तक चुप था, लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करना। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए, अभिनव अरोड़ा का आपने नाम सुना होगा और अभिनव अरोड़ा काफी टाइम से जो है फेमस हो रहा है एक टाइप से और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आखिर सच्चाई क्या है? अभिनव अरोड़ा को भी अब लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी मिल चुकी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और साथ ही बाबा सिद्दीकी के बाद इन लोगों को धमकी दी गई, लेकिन अब धमकी जो है अभिनव अरोड़ा को भी दी जा रही है। और अगर दी जा रही है तो कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से अभिनव अरोड़ा को एक बिजनेस मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिश की गई उसके पिता के द्वारा स्कूल ना भेजकर और इस प्रकार से धर्म प्रचार और धर्म की जो है एक प्रकार से फजीयत कराने का काम किया वीडियो के माध्यम से या फिर उसको स्कूल ना भेजकर और जितने भी काम करा के, लेकिन एक प्रकार से उसको डेवलप किया। और आप लोग जानते हैं कि उसकी एक वीडियो और वायरल हुई, वो छोटा था उस टाइम पर अपनी माँ के बारे में कह रहा था कि मेरी माँ चिकन बना लेती है जबकि खुद नहीं खाती, लेकिन हमारे लिए चिकन बनाती है। तो वो व्यक्ति, जब चिकन खाने वाला व्यक्ति कैसे एक धर्म प्रचार या फिर धर्म गुरु बन सकता है? देश भर की बात करें तो देश भर में अब तक जो है बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे जो पाखंड और अंधविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने पहले ही इसके बारे में कह दिया था कि आने वाले समय में यूथ महात्मा या फिर सन्यासी बनने में सबसे ज्यादा रुचि रखेगी और आगे बढ़ने में इसी में इसका करियर है। लेकिन आज की अगर देखी जाए तो अभिनव अरोड़ा जिस प्रकार से अपना 10 साल की उम्र में करियर बनाता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। स्कूल में जाने की उम्र में, पढ़ाई करने की उम्र में जो व्यक्ति अगर ऐसे धर्म प्रचार कर रहा है और उसकी फजीयत करा रहा है या फिर इस प्रकार की हंसी उड़वा रहा है, पर जिस प्रकार से एबीपी न्यूज ने अभिनव अरोड़ा से कुछ क्वेश्चंस किए और उस क्वेश्चंस का जवाब जो है गलत आया, जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही जिस समय में स्कूल जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का जो जवाब उसने गलत दिया, उसके बाद पता चलता है कि जब छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकता है तो ये व्यक्ति किस प्रकार से धर्म प्रचार कर सकता है? और 10 साल की उम्र में इस प्रकार से जो है धर्म की फजीयत कराना या फिर उसके मजाक उड़वाना ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन देश में अगर पढ़ने जाने वाले लोग अगर इस प्रकार से अगर करने लग जाए तो उसके बाद देश की उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन अभी की बात करें तो अभिनव अरोड़ा काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, यानी कि मीडिया की बात करें तो मीडिया पर अभिनव अरोड़ा छाया हुआ है, छोटा सा लड़का, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल की बात करें तो इस प्रकार का बिजनेस मॉडल जो उसके पिता ने तैयार किया, एक समय था कि उसके पिता ने लोगों को ठगने का काम किया, उसके बाद आज उसी व्यक्ति को बिजनेस मॉडल के रूप में लोगों के सामने पेश कर दिया और वही व्यक्ति आज अभिनव अरोड़ा लोगों को पागल बनाने का काम कर रहा था। वैसे बात करें तो देश भर में अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है, देश भर में अंधभक्त अगर किसी व्यक्ति को भगवान बनाए तो उसको ही मान लेते हैं। अगर ये मजाक उड़ा रहा था जो भी, बहुत सारे इसको भी गुरु मानने लग गए थे, लोग इसके पैर छूते थे, साथ में इसके साथ फोटो क्लिक कराते थे, पता नहीं क्या नहीं समझने लग गए थे। या तो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं जो लोग गोबर खा के गोबर खाना स्टार्ट कर दें दो और साथ में पेशाब पीना स्टार्ट कर दें, उन लोगों की भी अंधभक्त जो है प्रशंसा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि यहाँ तो ये प्रचार ही कर रहा था, बेशक मजाक ही सही। वैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, शुरुआत इसकी यहाँ से हुई कि जब ये वीडियो वगैरह रील वगैरह शूट करता था और डेली अपनी शो ऑफ कर रहा था, लेकिन उस टाइम पर जब लोगों के द्वारा इसकी ट्रोलिंग की जाने लगी, कमेंट बॉक्स में भर भर के लोग पूछने लगे, कहने लगे कि स्कूल क्यों नहीं जाता, स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो उसके बाद फिर जब इसके पिता ने सोचा कि ये लोग जो है मेरे लड़के के पीछे पड़ गए और 10 साल की उम्र में इस प्रकार से पीछे पड़ रहे हैं और उसको, उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक बार इनकी पॉडकास्ट करा दें, कुछ सवाल जवाब हो जाएंगे। और सवाल भी जब मीडिया वालों को सामने बिठाया गया तो उसमें भी कुछ ही चुनिंदा सवाल रखे गए जो कि हर मीडिया वाले ने पूछे और वो पूछे, लेकिन साथ ही अगर बात बता दें आपको, लेकिन साथ ही उसका जवाब जो होता था वो बिल्कुल सेम एज इट इज जवाब होता था, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक लाइन उसकी जो सेम होती थी और यही कहीं ना कहीं उसको गहरे में ले गई। उससे पता चला कि ये जो बिल्कुल रट रट के बोलता है और बहुत ही पहले से तैयार करके आता है और तैयार करने के बाद तब बोलता है, तो ये एक प्रकार का उसके पिता का ही बिजनेस मॉडल है। वैसे तो अब तक बहुत सारे धर्मगुरु देखे होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनोखा धर्मगुरु था जो कि रील्स का धर्मगुरु था। इसको आता जाता कुछ है नहीं, क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे गए, यहां तक कि क्वेश्चन पूछे गए उसका जवाब जो सेटिस्फाई रूप से उसने नहीं दिया, कोई भी गलत ऐसे गलत सलत आंसर दिए। हालांकि अगर मैं धर्म प्रचार नहीं कर रहा, मुझे
कोई नॉलेज ज्यादा है नहीं, खैर, लेकिन अगर नॉलेज हो, नॉलेज अगर नहीं है तो फिर मुझे उतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपने आप को इतना शो अप नहीं करना चाहिए, अपने आप को ये नहीं बताना चाहिए कि मैं ही भगवान का भाई हूं, इस प्रकार का क्रिएट करना, अपने आप को दिखाना कि मैं ही हूं, मेरी बात होती है भगवान से या इस प्रकार से। लेकिन जब खुद को ही अगर नॉलेज नहीं है तो इस प्रकार का जो है बयान देना, इस प्रकार के बारे में बातें करना कहीं ना कहीं फिजूल की बातें होती हैं, क्योंकि अभी अगर कोई क्वेश्चन करते तो उस पर हम लोग जो आंसर देने लायक नहीं है तो फिर हमको बोलना कम चाहिए। इसी वजह से ये जितना भी चल रहा है, अब बात करें अगर लॉरेंस बिश्नोई ने किसको धमकी दी है नहीं दी है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कोई मुझे नहीं लगता धमकी दी होगी, या फिर उसके गैंग वाले ने, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो खुद नहीं दे सकता है, वो तो साबरमती जेल में गुजरात में बंद है। लेकिन किसी ने मान लो दे दी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है दी होगी, क्योंकि अब तक जो ट्रोलिंग चल रही है उसको ट्रोलिंग और बढ़ाने के लिए, फेम लेने के लिए, नेम लेने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और ट्रेंडिंग में आने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको और बढ़ाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी उसमें जोड़ा जा रहा है। अब उसकी माँ भी इस प्रकार से, यानी कि उसके घर में सारे फ्रॉड वाले और सारे लोग अपने अपने बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई को भी उससे जोड़ा जा रहा है, वो भी कह रहा है कि मुझे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि उसको निकले वैसे मार दो, ऐसे कोई किसी को नहीं मार सकता आज के समय में, ठीक है, लेकिन वो तब भी इस प्रकार के बयान दे रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई को अपने नाम से जोड़ करके अपना और फेम पाना या फिर और अपने आप को, क्योंकि ये जो देश है ना, भारत देश है ना, बहुत इमोशनल है, और जहां तुम अगर रोना स्टार्ट कर दोगे तो हजार लोग आपके हो जाएंगे। अगर आपने कितना भी गलत काम कर दिया, अगर आप रोना स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद फिर हजार लोग आपके हो जाएंगे, वो इमोशनली बह जाते हैं आपस में। इस प्रकार से अब इसने रोना स्टार्ट कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई को अपने नाम से जोड़ना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर ये भी अपना फेम ले रहा है, और फेम तो खैर नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से ही नाम बदनाम हो गया। तो ये सब चीजें हैं, खैर जिस टाइम पर पढ़ने की उम्र हो तो उस टाइम पर पढ़ाई करनी चाहिए, जिस टाइम पर कोई काम करने की उम्र हो उसे काम करना चाहिए। अब 10 साल की उम्र में अगर आप धर्म प्रचार कर रहे हो, लेकिन प्रचार भी तो एक तरीके से किया जाता है ना, ऐसे तो प्रचार नहीं किया जाता है। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ आपने हमें फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।